रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भी देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर क्या कहती है ग्रहों की दिशा, किस तरह का बन रहा है संयोग और कब से कब तक बांधी जा सकती है राखी, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। 29 अगस्त शनिवार को श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, यानी इस मुहूर्त में रक्षाबंधन नहीं मन सकेगा। विद्वानों का भी यही मानना है कि जब तक भद्रा नक्षत्र होता है, बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती। इस कारण भद्रा नक्षत्र समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकेगा। भद्रा का साया होने से भद्रा प्रातः 3:52 से प्रारंभ होगी, जो दोपहर 1:52 तक रहेगी। इस प्रकार इस काल के अंदर धर्मशास्त्रों ने रक्षाबंधन का जो है निषेध किया है। इंद्र को बृहस्पति और इंद्राणी ने जो है विजय प्राप्ति के लिए रक्षा पोटली, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है, बांधी थी। और एक विशेष मंत्र जो है जिससे रक्षा बांधी जाती है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुबध्नामि रक्षे मा च न मा च न। रक्षाबंधन के दिन इस मंत्र के साथ यदि रक्षा बांधी जाए तो पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होता है। विद्वानों का भी यही कहना है कि जब भद्रा नक्षत्र समाप्त हो, उसके बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। विद्वानों के अनुसार लाभ, अमृत या शुभ किसी भी मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इस वर्ष पूर्णिमा जो है रात्रि 12:02 तक रहेगी, अर्थात भद्रा काल के उपरांत दोपहर 1:52 के बाद रात्रि को 12:02 तक जो है शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में रक्षा बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन का पर्व सभी धर्मों के लोग बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं। बहनें अपनी भाई के कलाई के ऊपर जो है रक्षा पोटली, विविध प्रकार की रक्षाएं जो है बांधती है। इसी तरह विद्वानों के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज।